यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम अर्जुना अभिगमन पर 32वां अध्याय। द्रौपदी का पुरुषार्थ को प्रधान मानकर पुरुषार्थ करने के लिए जोर देना। द्रौपदी बोली, कुंती नंदन, दूसरे लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य दैव तथा हठ ये दो ही सब कार्यों के कारण हैं, क्योंकि यह देखा जाता है कि हठ तथा दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं, वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हठ से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों के सिवा कोई चौथा कारण नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला न होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन के अभिप्राय से कर्म करता वह सब सफल ही हो जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि तथा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हठ और स्वभाव इन तीनों को कारण नहीं समझते, वे वैसे ही हैं जैसे कि साधारण अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का यह सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो बैठा रहता है वह पुरुष पराभव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा तो कहना यह है कि महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्राय फल की सिद्धि प्राप्त होती ही है, परंतु जो आलसी है, जिससे ठीक ठीक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता, उसे कभी फल की सिद्धि नहीं प्राप्त होती। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति न हो तो कोई न कोई कारण है, ऐसा मानकर प्रायश्चित पर दृष्टि डाले। राजेंद्र, कर्म को सांगोपांग कर लेने पर कर्ता उऋण हो जाता है। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और कार्य कुशल मानव निश्चय ही अभीष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म का फल होगा या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं, और जो संशय रहित हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं बिरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्यापहरण रूप भारी विपद आ पड़ी है। यदि आप कर्म में तत्परता से लग जाएं, तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है। अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए तो वह आपके, भीमसेन और अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों के कर लेने पर अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि दूसरों का कर्म सफल हुआ है या हमारा। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है और फिर चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि ने अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन यह सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोने का जो सफल कार्य जैसे करते हैं वह सब मैंने भी किया है। उस दशा में यदि मुझे ऐसा प्रतिकूल फल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता। भारत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि न प्राप्त हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर आप कर्म में प्रवृत्त ही न हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर ही कर्म में सफलता मिलती है। कर्मों में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा फल हो सकता है,
यह भी संभव है कि फल हो ही नहीं, परंतु कर्म का आरंभ ही न किया जाए तब तो न कहीं फल दिखाई देगा और न कर्ता का कोई गुण ही दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य, मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति तथा बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करे, सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करे। इसमें पराक्रम ही उपदेशक है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा गया है। जहां बुद्धिमान पुरुष शत्रु को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखे, वहां साम नीति से ही काम बनाने की इच्छा करे और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो करे। महाराज युधिष्ठिर, अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश से उसके निकाले जाने की प्रतीक्षा करे, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरण धर्मा मनुष्य है, उसके लिए तो कहना ही क्या है। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरे लोगों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर न करे, अपने आप को छोटा न समझे। जो स्वयं ही अपना अनादर करता है, उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। भारत लोक को इसी प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न ही सिद्धि का मूल कारण है। भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इस संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसी की शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने भी उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और यह सब सुनने की इच्छा से उनकी गोद में बैठ गई थी। तभी उन ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश किया था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। 33वां अध्याय, भीमसेन का पुरुषार्थ की प्रशंसा करना और युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध छेड़ने का अनुरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष में भरे हुए भीमसेन क्रोध पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग हो, उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारे राज्य को नहीं लिया है। उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उसका हरण कर लिया है। बचे हुए अन्न को खाने वाले दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलिष्ठ सिंहों का भोजन हर लें, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। महाराज, धर्म और काम के उत्पादक राज्य और धन को खोकर लेश मात्र धर्म से आवृत हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं? गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य को इंद्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छिन गया। जैसे लूलों के पास से उनके बेल फल और पंगुओं के निकट से उनकी गायें छिन जाती हैं और वे जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया। भारत, आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, इस रूप में आपकी प्रसिद्धि है, अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो, इसलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं। भरत कुलभूषण, आपके शासन में अपने आप को नियंत्रण में रखकर आज हम लोग अपने मित्रों को दुखी और शत्रुओं को सुखी बना रहे हैं। आपके शासन को मानकर जो हम लोगों ने उसी समय इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मार नहीं डाला, वह दुष्कर्म हमें आज भी संताप दे रहा है। राजन, मृगों के समान अपनी इस वनचर्या पर ही दृष्टिपात कीजिए। दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकार वन में रहकर समय बिताते हैं, बलवान मनुष्य वनवास का सेवन नहीं करते। श्री कृष्ण, अर्जुन
अभिमन्यु, श्रींजय वंशी वीर, मैं और ये नकुल सहदेव कोई भी इस वनचर्या को पसंद नहीं करते। राजन, आप यह धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो नपुंसकों का सा जीवन व्यतीत करने लगे हो? अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी का उद्धार करने में असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थनाशक वैराग्य का आश्रय लेते हैं और उसी को प्रिय मानते हैं। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं। हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं तो भी इस प्रकार दया को अपनाकर इससे होने वाले अनर्थ को नहीं समझ रहे हैं। हम शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिए समर्थ होते हुए भी हम ये धृतराष्ट्र के पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारा जाना कोई दुख नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम पीठ न दिखाकर युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहे और उसमें हमारा वध भी हो जाए तो वह कल्याणकारक है, क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। अथवा भरत श्रेष्ठ, यदि हम ही इन शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी ले लें तो वही हमारे लिए कल्याणकर है। हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश का विस्तार करने की अभिलाषा रखते हैं। अतः हमारे लिए सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया है। ऐसे अवसर पर यदि हम अपने कर्तव्य को समझकर अपने लाभ के लिए ही युद्ध करें तो भी इसके लिए जगत में हमारी प्रशंसा ही होगी, निंदा नहीं होगी। महाराज, जो धर्म अपने तथा मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो संकट ही है, वह धर्म नहीं कुधर्म है। तात, जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है उसे धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है वह धर्म के नाम पर केवल क्लेश उठाने वाला मानव बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य की प्रभा को नहीं जानता उसी प्रकार वह धर्म के अर्थों को नहीं समझता है। जिसका धन केवल धन के ही लिए है, दान आदि के लिए नहीं है, वह धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे सेवक वन में गौओं की रक्षा करता है उसी प्रकार वह भी उस धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र है। जो केवल अर्थ के ही संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है और धर्म एवं काम का अनुष्ठान नहीं करता है वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं और वह धर्म एवं अर्थ दोनों से वंचित ही रह जाता है। जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछली की मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार जो धर्म अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है उस काम की समाप्ति होने पर उसकी भी अवश्य मृत्यु हो जाती है। इसलिए विद्वान पुरुष कभी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते हैं। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति के स्थान है। जैसे अरणि अग्नि का उत्पत्ति स्थान है, अर्थ का कारण है धर्म और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। जैसे मेघ से समुद्र की पुष्टि होती है और समुद्र से मेघ की पूर्ति, इस प्रकार धर्म और अर्थ को एक दूसरे के आश्रित समझना चाहिए। स्त्री, माला, चंदन आदि द्रव्यों के स्पर्श और सुवर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है उसी का नाम काम है। उस काम का शरीर नहीं देखा जाता, इसीलिए वह अनंग कहलाता है। राजन, धन की इच्छा रखने वाला पुरुष महान धर्म की अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है। जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है उस प्रकार वह काम से किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। जैसे फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है उससे दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता तथा जिस प्रकार काष्ठ से भस्म बन सकता है परंतु उस भस्म से दूसरा कोई पदार्थ नहीं बन सकता, इसी तरह बुद्धिमान पुरुष एक काम से किसी दूसरे काम की सिद्धि नहीं मानते क्योंकि वह साधन नहीं फल ही है। राजन, जैसे पक्षियों को मारने वाला व्याध इन पक्षियों को मारता है यह विशेष प्रकार की हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है। वैसे ही जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य काम और लोभ के वशीभूत होकर धर्म के स्वरूप को नहीं जानता वह इहलोक और परलोक में भी सब प्राणियों का वध्य होता है।
राजन, आपको यह अच्छी तरह ज्ञात है कि धन से ही भोग्य सामग्री का संग्रह होता है। धन का जो कारण है उससे भी आप परिचित हैं और धन के द्वारा जो बहुत से कार्य सिद्ध होते हैं उसे भी आप जानते हैं। उस धन का अभाव होने पर अथवा प्राप्त हुए धन का नाश होने पर अथवा स्त्री आदि धन के जरा जीर्ण एवं मृत्युग्रस्त होने पर मनुष्य की जो दशा होती है उसी को सब लोग अनर्थ मानते हैं। वही इस समय हम लोगों को भी प्राप्त हुआ है। पांचों ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि की अपने विषयों में प्रवृत्त होने के समय जो प्रीति होती है वही मेरी समझ में काम है। वह कर्मों का उत्तम फल है। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनों को पृथक पृथक समझकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, उन सब का सदा इस प्रकार सेवन करे जिससे इनमें विरोध न हो। इस विषय में शास्त्रों का यह विधान है कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का, दूसरे भाग में अर्थ का और अंतिम भाग में काम का सेवन करे। इसी प्रकार अवस्था क्रम में शास्त्र का विधान यह है कि आयु के पूर्व भाग में काम का, मध्य भाग में धन का तथा अंतिम भाग में धर्म का पालन करे। वक्ताओं में श्रेष्ठ, उचित काल का ज्ञान रखने वाला विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथावत विभाग करके उपयुक्त समय पर उन सब का सेवन करे। गुरु नंदन, निरतिशय सुख की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं के लिए यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन, इसी प्रकार लौकिक सुख की इच्छा वालों के लिए धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः महाराज, भक्ति और योग सहित ज्ञान का आश्रय लेकर आप शीघ्र ही या तो मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए अथवा धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति के उपाय का अवलंबन कीजिए। जो इन दोनों के बीच में रहता है उसका जीवन तो आर्त मनुष्य के समान दुखमय ही है। मुझे मालूम है कि आपने सदा धर्म का ही आचरण किया है। इस बात को जानते हुए भी आपकी हितैषी सगे संबंधी आपको कर्म एवं पुरुषार्थ के लिए ही प्रेरित करते हैं। महाराज, इहलोक और परलोक में भी दान, यज्ञ, संतों का आदर, वेदों का स्वाध्याय और सरलता आदि ही उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गए हैं। पुरुष सिंह राजन, यद्यपि मनुष्य में दूसरे सभी गुण मौजूद हों, तो भी यह यज्ञ आदि रूप धर्म धनहीन पुरुष के द्वारा नहीं संपादित किया जा सकता। महाराज, इस जगत का मूल कारण धर्म ही है। इस जगत में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस धर्म का अनुष्ठान भी महान धन से ही हो सकता है। राजन, भीख मांगने से, कायरता दिखाने से अथवा केवल धर्म में ही मन लगाए रहने से धन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। नरश्रेष्ठ, ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्धि कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उसका निषेध है। अतः आप अपने तेज के द्वारा ही धन पाने का प्रयत्न कीजिए। क्षत्रिय के लिए न तो भीख मांगने का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका करने का ही। उसके लिए तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। पार्थ, अपने धर्म का आश्रय लीजिए, प्राप्त हुए शत्रुओं का वध कीजिए, मेरे तथा अर्जुन के द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र रूपी जंगल को कटवा डालिए। मनीषी विद्वान दानशीलता को ही धर्म कहते हैं, अतः आप उस दानशीलता को ही प्राप्त कीजिए। आपको इस दयनीय अवस्था में नहीं रहना चाहिए। महाराज, आप सनातन धर्मों को जानते हैं। आप कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं। अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य की ओर ध्यान दीजिए। जब आप राज्य प्राप्त कर लेंगे उस समय प्रजापालन रूप धर्म से आपको जिस पुण्य फल की प्राप्ति होगी वह आपके लिए गर्हित नहीं होगा। महाराज, विधाता ने आप जैसे क्षत्रिय का यही सनातन धर्म नियत किया है। पार्थ, उस धर्म से हीन होने पर तो संसार में आप उपहास के पात्र हो जाएंगे। मनुष्यों का अपने धर्म से भ्रष्ट होना कुछ प्रशंसा की बात नहीं है। गुरुनंदन, अपने हृदय को क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन की इस शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरंधर वीर पुरुष की भांति युद्ध का भार वहन कीजिए। महाराज, केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक न तो कभी पृथ्वी पर विजय पाई है और न ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है। जैसे बहेलिया लुब्ध हृदय वाले छोटे छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके
उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, आप जानते हैं कि असुरगण देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकार से समृद्धिशाली हैं, तो भी देवताओं ने छल से उन्हें जीत लिया। महाराज, महाबाहो, इस प्रकार बलवान का ही सब पर अधिकार होता है, यह समझकर आप भी कूटनीति का आश्रय ले अपने शत्रुओं को मार डालिए। युद्ध में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर अथवा मेरे समान गदाधारी योद्धा न तो है और न आगे होने की ही संभावना है। पांडुनंदन अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, इसलिए आप सावधानी पूर्वक महान उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिए। आत्मबल ही धन का मूल है, इसके विपरीत जो कुछ है वह मिथ्या है, क्योंकि हेमंत ऋतु में वृक्षों की छाया के समान वह आत्मा की दुर्बलता किसी भी काम की नहीं है। कुंती कुमार, जैसे किसान अधिक अन्न राशि उपजाने की लालसा से धान्य आदि के अल्प बीजों का भूमि में परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पाने की इच्छा से अल्प अर्थ का त्याग किया जा सकता है। आपको इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। जहां अर्थ का उपयोग करने पर उससे अधिक या समान अर्थ की प्राप्ति न हो, वहां उस अर्थ को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह गधों के शरीर को खुजलाने के समान व्यर्थ है। नरेश्वर, इसी प्रकार जो मनुष्य अल्प धर्म का परित्याग करके महान धर्म की प्राप्ति करता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान है। मित्रों से संपन्न शत्रु को विद्वान पुरुष अपने मित्रों द्वारा भेद नीति से उसमें और उसके मित्रों में फूट डाल देते हैं। फिर भेदभाव होने पर मित्र जब उसको त्याग देते हैं, तब वे उस दुर्बल शत्रु को अपने वश में कर लेते हैं। राजन, अत्यंत बलवान पुरुष भी आत्मबल से ही युद्ध करता है, वह किसी अन्य प्रयत्न से या प्रशंसा द्वारा सब प्रजा को अपने वश में नहीं करता। जैसे मधुमक्खियां संगठित होकर मधु निकालने वाले को मार डालती है, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहने वाले दुर्बल मनुष्यों द्वारा बलवान शत्रु भी मारा जा सकता है। राजन, जैसे भगवान सूर्य पृथ्वी के रस को ग्रहण करते और अपनी किरणों द्वारा वर्षा करके उन सब की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओं से कर लेकर उनकी रक्षा करते हुए सूर्य के ही समान हो जाइए। राजेंद्र, हमारे बाप दादों ने जो किया है वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन भी प्राचीन काल से चला आने वाला तप ही है, ऐसा हमने सुना है। धर्मराज, क्षत्रिय तपस्या के द्वारा वैसे पुण्य लोगों को नहीं प्राप्त होता जिन्हें वह अपने लिए विहित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त करता है। आप पर जो यह संकट आया है, इस अवश्यम भावी घटना को देखकर लोग यह निश्चय पूर्वक मानने लगे हैं कि सूर्य से उसकी प्रभा और चंद्रमा से उसकी चांदनी भी दूर हो सकती है। राजन, साधारण लोग भिन्न भिन्न सभाओं में सम्मिलित होकर अथवा अलग अलग समूह के समूह इकट्ठे होकर आपकी प्रशंसा और दुर्योधन की निंदा से ही संबंध रखने वाली बातें करते हैं। महाराज, इसके सिवा यह भी सुनने में आया है कि ब्राह्मण और कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी सत्य प्रतिज्ञता का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि आपने कभी न तो मोह से, न दीनता से, न लोभ से, न भय से, न कामना से और न धन के ही कारण से किंचित मात्र भी असत्य भाषण किया है। राजा पृथ्वी को अपने अधिकार में करते समय युद्ध जनित हिंसा आदि के द्वारा जो कुछ पाप करता है, वह सब राज्य प्राप्ति के पश्चात भारी दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा नष्ट कर देता है। जनेश्वर, ब्राह्मणों को बहुत से गांव और सहस्त्र गौएं दान में देकर राजा अपने समस्त पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा अंधकार से। गुरुनंदन युधिष्ठिर, प्राय नगर और जनपद में निवास करने वाले आबाल वृद्ध सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। कुत्ते के चमड़े की कुप्पी में रखा हुआ दूध, शूद्र में स्थित वेद, चोर में सत्य और नारी में स्थित बल जैसे अनुचित है, उसी प्रकार दुर्योधन में स्थित राजत्व भी संगत नहीं है। भारत लोक में यह सब सत्य प्रवाद पहले से चला आ रहा है। स्त्रियां और बच्चे तक इसे नित्य किए जाने वाले पाठ की तरह दोहराते रहते हैं। शत्रुदमन, बड़े दुख की बात है कि हमारे साथ ही आज आप इस दुर्वस्था में पहुंच गए हैं और आप ही के कारण ऐसा उपद्रव आया कि हम सब लोग नष्ट हो गए। महाराज, आप विजय में प्राप्त हुए धन का ब्राह्मणों को दान करने के लिए अस्त्र शस्त्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों से सुसज्जित रथ पर बैठकर शीघ्र यहां से युद्ध के लिए निकलिए।
जैसे सर्पों के समान भयंकर शूरवीर देवताओं से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र असुरों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार अस्त्र विद्या के ज्ञाता और सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले हम सब भाइयों से घिरे हुए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर हस्तिनापुर पर चढ़ाई कीजिए। महाबली कुंती कुमार जैसे इंद्र अपने तेज से दैत्यों को मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभाव से शत्रुओं को मिट्टी में मिलाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से अपनी राजलक्ष्मी को ले लीजिए। मनुष्यों में कोई ऐसा नहीं है जो गांडीव धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान भयंकर गृध्र पंख युक्त बाणों का स्पर्श सह सके। भारत, इसी प्रकार जगत में ऐसा कोई अश्व या गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है जो रणभूमि में क्रोध पूर्वक विचरने वाले मुझ भीमसेन की गदा का वेग सह सके। कुंती नंदन, श्रृंजय और कैकेयवंशी वीरों तथा वृष्णी वंशावतंस भगवान श्री कृष्ण के साथ होकर हम संग्राम में अपना राज्य कैसे नहीं प्राप्त कर लेंगे। राजन, आप विशाल सेना से संपन्न हो, यहाँ प्रयत्न पूर्वक युद्ध ठान कर शत्रुओं के हाथ में गई हुई पृथ्वी को उनसे छीन क्यों नहीं लेते। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में भीम वाकय विषयक 33वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।